एक पंडित जी कई वर्षों से काशी में शास्त्रों और वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। पंडित जी को लगा कि अब वह अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहलाएंगे। उनके अंदर घमंड आ गया। अगले दिन पंडित जी अपने गांव जाने लगे। गांव में आते ही एक किसान ने उनसे पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे समाज में लोग दुखी क्यों हैं? पंडित जी ने कहा, लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए धन नहीं है, इसलिए लोग दुखी हैं। किसान ने कहा, परंतु पंडित जी, जिन लोगों के पास धन दौलत है वह भी दुखी है। मेरे पास धन संपत्ति है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? पंडित जी को कुछ समझ नहीं आया कि वह किसान को क्या उत्तर दे। किसान ने कहा, मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा अगर आप मेरे दुख का कारण पता करके मुझे बता दें। पंडित जी ने उसकी संपत्ति के लालच में कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में ही आपके दुख का कारण ढूंढ लाऊंगा। यह कहकर पंडित जी पुनः काशी चले गए। उन्होंने शास्त्रों और वेदों का फिर से अध्ययन किया, परंतु उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। पंडित जी बहुत परेशान थे। वे सोच रहे थे कि अगर मैं किसान के सवाल का उत्तर नहीं दे पाया तो लाखों की संपत्ति हाथ से चली जाएगी। उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जो रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसने पंडित जी के दुख का कारण पूछा। पंडित जी ने उसे सब कुछ बता दिया। उस औरत ने कहा कि वह उनको उनके सवाल का उत्तर देगी, परंतु उसके लिए उन्हें उसके साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। पंडित जी कुछ देर चुप रहे। वह सोच रहे थे कि वह एक ब्राह्मण है, इसके साथ कैसे रह सकते हैं? अगर वह इसके साथ रहे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। पंडित जी ने फिर सोचा, कुछ दिन की बात है, उन्हें किसान के सवाल का उत्तर जब मिल जाएगा वह चले जाएंगे और किसान की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। पंडित जी उसके साथ रहने को तैयार हो गए। कुछ दिन तक वह उसके साथ रहे, पर सवाल का उत्तर उस औरत ने नहीं दिया। पंडित जी ने उससे कहा, मेरे सवाल का उत्तर कब मिलेगा? औरत बोली, आपको मेरे हाथ का खाना खाना होगा। पंडित जी मान गए। जो किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे वह उस औरत के गंदे हाथों से बना खाना खा रहे थे। उसके सवाल का उत्तर अब भी नहीं मिला। अब औरत ने बोला, उन्हें भी उसके साथ सड़क पर खड़े होकर भीख मांगनी पड़ेगी। पंडित जी को किसान के सवाल का उत्तर पता करना था, इसलिए वह उसके साथ भीख मांगने को भी तैयार हो गए। उसके साथ भीख मांगने पर भी उसे अभी तक सवाल का उत्तर नहीं मिला था। एक दिन औरत ने पंडित जी से कहा, उन्हें आज उसका झूठा भोजन खाना है। यह सुनकर पंडित जी को गुस्सा आया और उस पर चिल्लाए और बोले, तुम मुझे मेरे सवाल का उत्तर दे सकती हो तो बताओ। वह औरत मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, यही तो है आपके सवाल का उत्तर। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। मेरे जैसी औरत को तो देखना भी नहीं पसंद करते थे, परंतु किसान की संपत्ति के लालच में आप मेरे साथ रहने के लिए भी तैयार हो गए। पंडित जी, इंसान का लालच और उसकी बढ़ती हुई इच्छाएं ही उसके दुख का कारण है, जो उसे वह सब कुछ करने को मजबूर कर देती है जो उसने कभी करने की सोची भी नहीं होती।